अवैध असला फैक्ट्री का एक दिल पुलिस ने खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक नगर अपराध इटावा के निर्देशन में अवैध असलाहों की तस्करी करने वाले क्षेत्राधिकारी नगर की देखरेख में एसओजी इटावा व थाना एक दिल पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को 11 अवैध निर्मित असलाह व 2 अनिर्मित अवैध असलाह व 19 कारतूस 315 व 12 बोर व अवैध असलाह बनाने के समस्त उपकरणों के सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा दशरथ सिंह पुत्र स्वर्गीय तेजराम निवासी ग्राम कछपुरा थाना भरथना जनपद इटावा शिवम तिवारी पुत्र सर्वेश तिवारी निवासी ग्राम कराहीपुरा मानिकपुर मोहन थाना एक दिल जनपद इटावा गोविंद मिश्रा पुत्र जगदीश नारायण को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 8 अदद तमंचे 315 बोर 1 अदद अधिया 315 बोर 1 अदद देसी रिवॉल्वर 12 बोर 1 अदद बंदूक 12 बोर 2 अदद तमंचा अर्धनिर्मित 11 अदद कारतूस जिंदा 12 बोर 9 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर 1 अदद गैस चूल्हा अन्य शस्त्र बनाने के सभी उपकरण बरामद किए गए हैं। एसएसपी आकाश तोमर ने कार्रवाई करने वाली टीम सत्येंद्र यादव प्रभारी एसओजी बीके सिंह प्रभारी सर्विलांस मैं टीम और जीवाराम यादव प्रभारी निरीक्षक थाना एक दिल मैं टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम से पुरस्कृत किया है। पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा जनपद इटावा में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश के लिए अवैध असलाह और मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखा है। इसी के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर एसओजी इटावा और एक दिल की टीम के द्वारा एक काफ़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें अवैध असलाह निर्मित करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को अवैध असलाहों के साथ और उनके उपकरणों के साथ आज गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में आज इनके द्वारा अवैध 11 अवैध निर्मित असलहे, 2 अर्धनिर्मित अवैध असलहे, 19 कारतूस 315 बोर और 12 बोर के और इसके अतिरिक्त जो अन्य उपकरण है इससे संबंधित उनको उनसे बरामद की गई है। इन सदस्यों के द्वारा इसके पहले भी इस प्रकार की गतिविधियां की गई है कि नहीं, इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है और इनके द्वारा किन किन लोगों को अवैध असलहे वितरित किए गए हैं या उनको बेचे गए हैं इस संबंध में भी हम विस्तृत जांच कर रहे हैं। इस क्रम में एक दिल थाने पर उचित धाराओं में अभियोग यहाँ पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना जो है प्रचलित है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।